हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 26 सितंबर को आएंगे गोरखपुर, गोरखनाथ मंदिर में आयोजित संगोष्ठी में करेंगे प्रतिभाग। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र दीपक कुमार के मामले में आया ट्विस्ट, कुलपति को लिखी चिट्ठी, कहा मेरी इस स्थिति को लेकर कोई भी विद्यार्थी, राजनीतिक दल, समाजसेवी संगठन आंदोलन या तोड़फोड़ करता है तो मैं अपने आप को इससे अलग करता हूँ। शिक्षकों पर ठोस कार्रवाई न होने पर छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर किया विरोध प्रदर्शन, कुलपति को सौंपा 3 सूत्रीय मांग का ज्ञापन। गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने बैठक कर पारित किया 5 प्रस्ताव, पूरे प्रकरण पर आगे की रणनीति को तय करने के लिए अध्यक्ष को किया अधिकृत। गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने जारी किया लिखित बयान, यदि दबाव की ये राजनीति तत्काल नहीं रुकी तो शिक्षक संघ कार्य बहिष्कार तथा बेमियादी हड़ताल को होगा मजबूर। परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जाएगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, सीडीओ अनु सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई तैयारी बैठक। महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष तेजस शुक्ला, उपाध्यक्ष आकाशदीप सिंह, महामंत्री राजीव कुमार श्रीवास्तव और पुस्तकालय मंत्री विपुल मद्देशिया ने मारी बाजी, समर्थकों ने जीत की खुशी में की आतिशबाजी, सकुशल संपन्न हुए चुनाव। 7 सूत्रीय मांग को लेकर स्वर्ण उत्थान समिति ने दिया धरना, SC ST एक्ट का किया विरोध। पुनः पैक्ट की शर्तों को पूर्णतया लागू करने, दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने निकाली रैली, प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कैंसर जागरूकता अभियान के निःशुल्क जाँच शिविर का 26 सितम्बर को मारवाड़ी युवा मंच ने किया आयोजन, लगभग 25 नागरिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के अंतर संकाय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन, विज्ञान संकाय ने कला संकाय को 36-25 के अंतर से हराया।